हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ रेंडवा। सो इन लास्ट टॉपिक वी वर लोकेटिंग द इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमने आपको बताया एक बार वो छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों, वो वीडियो में आ गए, उसको सही कर दी थी मैंने, वो ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, जैसे आपको मैंने बहुत सारे नंबर लोकेट करना बताए थे, रूट टू, ठीक है बच्चों, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, नाइन, रूट नाइन नहीं होगा, रूट टेन वगैरह आपको बताया। जैसा आपसे पूछ ले जाए, लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इससे रिलेटेड, रूट सेवनटीन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, एंड यू नो रूट सेवनटीन इज रेशनल नंबर। और आपसे पूछ लीजिए सेवनटीन क्या सर, प्राइम नंबर है हमारा, हर चीज़ टिप्स पे होनी चाहिए। हम जब रूट सेवनटीन को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो आपको पता है सेवनटीन कैसे आ जाएगा, 16 प्लस 1 आएगा, और 16 4 का होल स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4 यूनिट लेंगे बच्चों, कितना यूनिट लेंगे, 4 यूनिट, और परपेंडिकुलर में लेंगे हम 1 यूनिट, ओ ए बी बच्चों, वी जॉइन ओ एंड बी, इट मीन्स 4 और एंड 1। अब बच्चों ध्यान दो, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, 4 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, ध्यान दो, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ओ बी बच्चों, ओ ए स्क्वायर 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस ए बी 1 स्क्वायर 1, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17 एंड ओ बी विल बी प्लस माइनस रूट 17, तो हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे बिकॉज डिस्टेंस। इट मीन्स बच्चों ओ बी इज इक्वल टू रूट 17, ये रूट 17 डिस्टेंस मिल गई, कंपास के नॉब को यहाँ पे पुट करके इसमें रेडियस लेंगे ओ से बी तक इतना लंबा, फिर यहाँ से पुट करेंगे कंपास को और नॉब को यहाँ पे पुट करके इसको आगे तक एक्सटेंड कर देंगे, तो वो आपकी इस लाइन को यहाँ मिलेगी, ये मान लो पॉइंट सी है आपका। इट मीन्स ओ से जो सी वाले डिस्टेंस हो गई वो रूट 17 हो, क्योंकि आपको भी पता है बच्चों रूट 17 4 से थोड़ा ज़्यादा है, बट हमें पता ही नहीं था उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें इरेशनल नंबर को लोकेट करने के लिए ये मेथड फॉलो करना है बच्चों। इसी के साथ मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करते हैं अभी जस्ट, हम बहुत ईजी है बच्चों, 1.2 हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं अभी, एक्सरसाइज 1.2। अच्छा, लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन बच्चों, ध्यान दो, अब हम 1.2 को डिस्कस करने वाले बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बच्चों आपको क्या लगता है, ट्रू हो गया फॉल्स हो गया, मुझे तो ट्रू लग रहा है, क्यों, क्योंकि बच्चों आपको ये बताओ, सबसे पहले जब नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तो उसके दो टाइप बताए थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यू विल गेट टू नो इन द क्लास 11th इफ यू विल गो फॉर द मैथ सब्जेक्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के आपको दो टाइप बताए थे, रेशनल नंबर एंड अदर टाइप इज इरेशनल नंबर। इज इट क्लियर बच्चों, इट मीन्स हमारे रियल नंबर के ही तो टाइप है इरेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, सारे के सारे इरेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। बट अगर ये पॉजिटिव, अगर आपको इसी का रिवर्स कर जाता, कैसे, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो बच्चों इस केस में ये फॉल्स हो जाता है, क्यों, क्योंकि ध्यान दो, क्या सारे के सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं क्या, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि सर रियल नंबर में तो हमारे रेशनल भी आते हैं। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे इसी में सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या कह रहे हैं, नंबर लाइन के ऊपर बच्चों ध्यान दो, ये आपकी नंबर लाइन है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इस पे जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं, सपोज करो आपका सेंटर पॉइंट है, वो सारे के सारे किस फॉर्म के हैं,
फॉर्म ऑफ रूट एम, ठीक है, वेयर एम इज नेचुरल। क्या कह रहे हैं, इस हमारे नंबर लाइन पे सारे के सारे पॉइंट कैसे हैं, रूट एम है, और एम को क्या बोल रहा है बच्चों, नेचुरल नंबर। एम क्या है आपका यहाँ पे, मतलब आपको यहाँ पे वैल्यू लेनी है जो नेचुरल नंबर है। जैसे ले लिया रूट वन, रूट टू, रूट थ्री, रूट फोर, एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे कि इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो इस रूट के फॉर्म में है और वहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो ये बच्चों यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इट मीन्स ध्यान दो, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सारे के सारे नंबर पॉजिटिव आएंगे, जबकि बच्चों नंबर लाइन आल्सो इंक्लूड द नेगेटिव नंबर, इसलिए हमारे स्टेटमेंट क्या हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। बच्चों लेट मी टेक वन सेकेंड ब्रेक फॉर द कैमरा चेकिंग। सो बच्चों थर्ड पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, वो मैं आपको पहले ही बता चुका, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज सर रियल नंबर हैज कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो सारे के सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल कैसे होंगे, कुछ रेशनल होंगे कुछ इरेशनल होंगे, ठीक है, इज इट क्लियर। हाँ, आपको ये पूछ सकता है, आपसे एक स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। हाँ, ये स्टेटमेंट बच्चों ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि सारे के सारे रेशनल नंबर हमारे रियल ही तो होते हैं और सारे के सारे इरेशनल भी रियल होते हैं, ठीक है। तो छोटा बड़े का पार्ट हो सकता है, पर बड़ा छोटे का पार्ट थोड़ी होएगा, ठीक है बच्चों। अब इसी में सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। हम देखेंगे क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, सारे के सारे इंटीजर्स का, और कौन से इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर का हमें स्क्वायर रूट लेना है, वो क्या होगा हमारा, इरेशनल होगा क्या, क्या होगा वो, क्या वो इरेशनल नंबर होगा क्या। पहली बात तो स्टेटमेंट देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ये सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट है, कैसे मैं बताता हूँ। फिर वो कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट ए रेशनल नंबर। बच्चों आपको तभी बताया था, वो ये कह रहा है सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लो तो आपको वो इरेशनल नंबर आता है। चेक कर लेते हैं, रूट वन हमारा इंटीजर है बच्चों, रूट वन की वैल्यू वन होती है जो कि हमारा रेशनल नंबर है, तो वो तो बोल रहा है कि सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। रूट टू, यस सर, ये हमारा इरेशनल नंबर है, रूट थ्री भी हमारा इरेशनल नंबर है, बट सर रूट फोर की वैल्यू टू होती है, वो हमारा अगेन रेशनल नंबर हो गया। इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लेंगे तो सारे के सारे इरेशनल नंबर नहीं आएंगे, जो नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो भी नंबर हमारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे स्क्वायर रूट में, उनकी वैल्यू हमेशा जो आएगी वो रेशनल आएगी हमारी। इज इट क्लियर बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आप रूट फाइव को नंबर लाइन पे लोकेट करें। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, रूट फाइव को लोकेट करने के लिए, क्योंकि बच्चों आप बताओ रूट फाइव क्या है, रूट फाइव इज ए इरेशनल नंबर, आपको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो देखो रूट फाइव कैसे आया होगा सर, टू के स्क्वायर से फोर आता है और वन के स्क्वायर से वन आता है, फोर प्लस वन फाइव हो गया। इट मीन्स एक नंबर लाइन ड्रॉ करें आप, अब ओ से ए पॉइंट तक टू यूनिट का लेंथ ले लें, एंड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बी पॉइंट तक और इसको ज्वाइन करें, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो बच्चों ओ बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, दिस विल बी ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान दो, ओ ए टू स्क्वायर यानी फोर प्लस ए बी वन यूनिट लिया था बच्चों हमने यहाँ पे, वन स्क्वायर वन, इट मीन्स ओ बी स्क्वायर आ गया फाइव, तो ओ बी कितना आ जाएगा, रूट फाइव।
तो आप कंपास के नॉब को यहाँ पुट करेंगे, उसमें रेडियस ओ भी लेंगे, सेंटर पे पुट करके आप यहाँ से इसे आर्क कट कर देंगे इसे, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट आ गया सी, इट मीन्स ओ सी लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू रूट फाइव इन इट, ठीक है बच्चों, क्योंकि दो से ज़्यादा होता है रूट फाइव। अब इसी में बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों, ये क्लासरूम एक्टिविटी है, एक आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है, वो आप ही को बनाना है, ध्यान दो। मैं आपको हिंट देता हूँ, एक्टिविटी है, एक्टिविटी इज ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स और बहुत इजी है बच्चों, ध्यान दो। जैसे क्या कह रहे हैं, एक आपका पॉइंट है ओ, ओ से पी, ओ पी वन, बच्चों ये आपका वन यूनिट है। फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इन्होंने यहाँ पे ऐसे, और वो भी वन यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है बच्चों, तो इसको इन्होंने ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों वन और वन का स्क्वायर करके इन्हें रूट टू आ जाएगा। फिर इन्होंने क्या कर रखा है, एक परपेंडिकुलर और कर रखा है ऐसे, और इसको इससे ज्वाइन कर रखा है बच्चों। देखो ये रहा रूट टू और ये रहा वन यूनिट, तो रूट टू का स्क्वायर टू हो गया और वन का स्क्वायर वन हो गया, तो थ्री, ये आ गया आपका रूट थ्री, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि इसको आपको ज्वाइन करते हुए ऐसे घुमा के वापस लाना है, आपको इसको स्पाइरल बनाना है ऐसे ऐसे। तो आप क्या करते जाएंगे, नेक्स्ट में फिर वन यूनिट लेंगे आप, जब आप इसको वन यूनिट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रूट फोर हो जाएगा विच इज़ टू, ठीक है। फिर आप वन यूनिट लेंगे फिर ज्वाइन करेंगे, देन अगेन वन यूनिट फिर ज्वाइन करेंगे, देन अगेन वन यूनिट फिर ज्वाइन करेंगे, देन अगेन वन यूनिट अगेन ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों सिमिलर वे में आप करते करते आपको ये ऐसा ही स्पाइरल बनाना था, ठीक है बच्चों। तो आप स्केल से प्रॉपर वन यूनिट लेंगे तो दिस इज ये आपका बिल्कुल राउंड फॉर्म में आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आपके एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है। अब उसमें अगला टॉपिक है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, आपको कुछ रियल नंबर लेने हैं और उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो बच्चों वो तो आपको मैं ऑलरेडी बता दिया, जैसे आपको ये कहे कि रियल नंबर लो, तो बच्चों देखो ध्यान दो, रियल नंबर के टाइप होते हैं रेशनल इरेशनल। तो मैंने एक रियल नंबर ले लिया 10/3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3.333 डेज डेज डेज, और आप इसको चाहो तो लिख सकते हो 3.3 बार। इट मीन्स अब ये कौन सा टाइप हो गया, सर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, शॉर्ट में लिख दिया NTR, साउथ वाले मूवी वाले NTR नहीं है, ठीक है। जैसे आपको लिख दिया 7/8, इसको सॉल्व करने पे बच्चों वैल्यू जो भी आएगी आप वैल्यू लिख लेंगे, और ये जहाँ तक मुझे पता है नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये हमारा आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। और ये दोनों है किसके टाइप, रेशनल नंबर के, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों। अभी इसी में नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया, शो दैट 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यूब फॉर्म वेयर क्यू एंड क्यू आर इंटीजर्स। बच्चों क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है आपके पास एक नंबर है, इस नंबर को आप या तो ऐसा लिख दो या आप इसको ऐसा लिख दो, ठीक है बच्चों। कि वो कह रहा है आप इस नंबर को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखो, मतलब आपको तो ऑलरेडी पता है सर ये 10/3 है, 10/3 है या क्या है ये, सर 1/3 है, 10/3 होता तो 3.3 बार आता, ठीक है ना, क्योंकि 10/3 की वैल्यू यही तो आती है प्यारे बच्चों। ये आपका 1/3 है, बट बच्चों ये तो ईजी था, आपके ऑलरेडी किया हुआ इसलिए आपको पता चल गया 1/3 है, ये पी अपॉन क्यू फॉर्म आ गई इसकी, पी अपॉन क्यू मतलब ये एक रेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू है, इस रेशनल नंबर की ये वैल्यू है, तो हमें रेशनल नंबर में लिखना है इसको। हाउ यू विल राइट ए डेसिमल इनटू रेशनल फॉर्म, बच्चों कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। अगर कोई नंबर आपका डेसिमल के, ध्यान दो, जो नंबर रिपीट हो रहा है वो डेसिमल के जस्ट पास में होना चाहिए, डेसिमल के जस्ट बाद में रिपीटिंग नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे नंबर आ गया 2 7 बार, तो यहाँ पे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है 7, बट क्या वो डेसिमल के पास में है, नहीं है, क्योंकि सर डेसिमल के पास में सर 2 है,
तो इस केस में डेसिमल के पास में करने के लिए अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेसिमल के पास में, अगर आप इसको 10 से, जैसे आप इसको x मान लो, तो अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो 2.7 बार। अब आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमारे है नहीं, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद में ही हमारा रिपीटिंग डिजिट है, और एनी सिक्वेंस ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स हो सकता है, सिक्वेंस मीन्स हो सकता है दो से, वन से ज़्यादा डिजिट, और 2 डिजिट, 3, 4, 5 डिजिट कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे, किसको, इसको, आप चाहे तो एक्स इसको मान लो, और ये दोनों सेम नंबर ही, तो सर हम बार पुट कर देते हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, इफ ए सिंगल डिजिट रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, अगर डेसिमल के बाद में सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहा हो जैसे, तो हम उसको 100 से करेंगे, अगर 1 डिजिट रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 10, 2 डिजिट रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 100, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 1000, बच्चों 4 डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 10,000, इज इट क्लियर, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दो, अब देखेंगे आप बोर्ड पे, तो हमारा x क्या है यहाँ पे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 डिजिट ही तो रिपीट हो रहा था, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x। प्यारे बच्चों, अब इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3.33 डेज, इज इट क्लियर। अरे बच्चों क्लियर है या नहीं है, ध्यान दो डेसिमल, तो आप इसको और एक बार 3 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या उसी में भी चेंज कर सकते थे। देखो इसको वापस देखो कैसे लिखेंगे हम, 3.3 बार देख लो, क्लियर है। तो बच्चों दिस इज इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन बी, नाउ व्हाट यू विल डू, बी माइनस ए, बच्चों बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ध्यान दो 10x में से x गया तो 9x, दैट इज इक्वल टू, ध्यान दो, अब देखो 3 में से 0 गया तो 3 आएगा, डेसिमल के बाद दोनों साइड सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 3.0, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, तो 9x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों x कितना आ गया यहाँ से, जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/3, इज इट क्लियर। देखो 3 से दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, इट मीन्स इसको हमने x एज्यूम किया था और इसकी p/q फॉर्म ये आ गई, और आपको पहले भी बता दिया था इसकी p/q फॉर्म ये वाली तो होती है, इज इट क्लियर बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको। अब इसी में जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, और वो है आपका 1.27 बार, बच्चों क्या है, गिवन नंबर क्या है बच्चों, 1.2727, बच्चों ऐसा एक नंबर 1.2727, इट मींस बच्चों ये नंबर कैसा है, सर ये नंबर हमारा ऐसा है 1.27 बार, इट मींस यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है बच्चों, 2 डिजिट्स हमारे रिपीट हो रहे, देख लो 2727, तो मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट यू हैव टू सी जो आपका डिजिट्स रिपीट हो रही है, वेदर इट इज 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऑल शुड बी नियर बाय टू डेसिमल, डेसिमल के जस्ट पास में होनी चाहिए रिपीटिंग। तो हमने क्या बोला था, आप इसको x एज्यूम कर लें, तो x को आप क्या लिख सकते हैं, 1.2727 डेज और 1.27 बार, ठीक है बच्चों। मैंने क्या बताया था, डेसिमल बिल्कुल रिपीटिंग नंबर के पास में होना चाहिए, ठीक है। अगर डेसिमल के बाद में 1 डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो 100 से करेंगे, 3 डिजिट हो रहा होगा तो 1000 से करेंगे। बच्चों यहाँ पे कितना डिजिट्स का सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट्स का, इट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 100। बच्चों आप इस इक्वेशन ए को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100x,
बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल वन प्लेस, तो 2 से 100 से करते हैं 2 प्लेस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 127, सॉरी डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा, तो 127.2727 डेज। और आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 127, और ये बार बार रिपीट हो रहा है, इस पर बार लगा के इसको साइलेंट कर दो बी। ठीक है बच्चों, अब आप वही करने वाले इक्वेशन बी माइनस ए, इज इट क्लियर बच्चों? तो 100 माइनस एक्स 99x, 127 में से 1 गया 126, आफ्टर डेसिमल दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आ गया 126/99। ठीक है बच्चों, ये आपका पी अपॉन क्यू फॉर्म है। आप चाहें इसे तो आगे भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 4 टाइम 2 टाइम, और ये कितने टाइम हो रहा है 33 टाइम, एक बार और हो रहा है 3 से कैंसिल आउट, 1 टाइम 4 टाइम और 11 टाइम। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई 14/11। आप ये भी लिख सकते थे और आपका आंसर ये भी सही है, क्योंकि आगे देखो रिड्यूस हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। ठीक है बच्चों, 9 से भी कर सकते थे आप डायरेक्ट। तो ऐसे आपको सोल्व करना है, जैसे लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, मैं एक एग्जाम्पल और लेने वाला हूँ यहाँ पे, जैसे आपकी बुक में गिवन है एक एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं, वो क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों 0.2353535 इट मीन्स ये हो क्या रहा है बच्चों, ध्यान दो यहाँ पर रिपीट कौन हो रहा है, ये दोनों रिपीट हो, 3 5 2, तो ऐसा कैसा ही आ रहा है, रिपीट होने वाला नंबर है 3 and 5। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब आपको ध्यान देना है कि सर अब हमें इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। तो बच्चों सबसे पहले पी अपॉन क्यू फॉर्म में करने के लिए आपको क्या बताया था, इसको एक्स एज्यूम कर लेंगे आप, तो आपका एक्स क्या आ गया बच्चों, एक्स आ गया आपका 0.235 बार। अब मैंने क्या बताया था, जो बार वाले डिजिट्स हैं, जो रिपीटिंग डिजिट्स है, वो डेसिमल के पास में होने चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो अगर डेसिमल मुझे यहाँ पे लाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये ऐसे हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या आप यहाँ देख लो, आपका डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो आ तो गया 2.353535, उसमें बार पुट कर दिया हमने। तो इस बार जैसे ही आपके डेसिमल के बगल में रिपीटिंग नंबर आता है, वो आपका इक्वेशन ए होता है। अब देखो 2 डिजिट्स रिपीट हो रहा है, तो इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 हो रहा होता है 10 से। तो बच्चों अगर आप इसी को 100 से मल्टीप्लाई करते हो, इसी को 10, तो ऑलरेडी ये 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इसको किसको मल्टीप्लाई किया आपने 100, इक्वेशन ए को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 10x तो था ही, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको भी आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 235.35 बार, क्योंकि ये है क्या बच्चों, ये ऐसे ही तो है, देखो 2.353535 डेज। ठीक है, तो जैसे आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो 235 हो गया, बाद में भी तो वही आ रहा है 0.35 0.35, तो 35 पे आपने बार पुट कर दिया। दिस इज इक्वेशन ए था और दिस इज इक्वेशन बी, वही प्रोसेस बी माइनस ए। इज इट क्लियर बच्चों? ध्यान दो, 1000 माइनस 10 990x, बच्चों 235 में से 2 गया 233, डेसिमल के बाद में सेम है, 0 आ जाएगा, सो एक्स विल बी 233/990। बच्चों दिस इज द पी अपॉन क्यू फॉर्म, अगर ये आगे किसी से कैंसिल हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम एक्सरसाइज जब सोल्व करेंगे तो
तो रिलेटेड टू दिस हम कुछ क्वेश्चंस और सोल्व कर लेंगे, ठीक है बच्चों? क्लियर हो गया? लेट मी चेक द कैमरा। सो बच्चों, अभी आपको मैंने बताया हाउ टू रिप्रेजेंट गिवन रिपीटिंग डेसिमल इनटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। बच्चों इसी में एक टॉपिक और है, वो है हाउ टू फाइंड ए इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, उस दिन आपको बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना था। आज आपको दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है। देन वी विल डू और एक नेक्स्ट एक्सरसाइज, बट दिस टॉपिक एंड और नेक्स्ट एक्सरसाइज वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।